सर जी नमस्कार। नमस्कार भाई, बताइए भाई क्या कहना चाहेंगे आज? हमें ताजू सरिया गोट फार्म भीलवाड़ा राजस्थान से। जी सर, बच्चों में तो आप हमारी वीडियो आपके चैनल पे भी काफी देख ही रहे हो, जीपी बहुत सारे वीडियो डाल दिए हमने। बच्चों में तो हमारा वीडियो आपके आते ही रहता है लंबे कान वाले सीरीज में। अब हम कर रहे हैं कुर्बानी में काम रेगुलर। अभी भाई कितनी गाड़ियां भर रहे हैं अभी? मेरे को दिन की करीबन करीबन एक से दो गाड़ी तो हमारा हो ही जाता है। आज जैसे आप बता रहे हैं कि आपकी दो गाड़ी है, आज दो गाड़ी लग रही है भाई। वो क्या वजन में लग रही है? वो भाई 65 से 70 kg के जानवरों की लग रही है, बकरों की। ठीक है, अभी क्या कहना चाहते हैं ऑडियंस को? ऑडियंस को यही कहना चाहते हैं कि जानवर ऑफलाइन खरीदो, बस किराया लग रहा है, जानवर को सोएं, आप खुद जाकर जानवर को देखकर फिर जानवर खरीदो। ठीक है, जानवर जैसा क्वालिटी का मांगोगे वैसा क्वालिटी का मिल जाएगा। लेकिन एक बार आप खुद फार्म विजिट करके जानवर खरीदते हो तो उसमें आपको बस किराया लग रहा है। ऑनलाइन में इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो, इतना जानवर खरीद रहे हो, इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो फिर फायदा क्या? धोखा भी तो काफी हो रहा है। काफी धोखा हो रहा है भाई, सभी अपन को पता है कि हर जगह इतना होता रहता है। तो एक अपन खुद फार्म विजिट करके जानवर खरीदते हैं, अगर कोई पार्टी आती है बाहर से तो हम उसको पार्टी को जंगल से माल ले लेते हैं। अपने फार्म पे अभी 500 बकरे खड़े हैं भीलवाड़ा राजस्थान। तो उन अभी ये आपने एक वीडियो डाली थी ना, वो पार्टी कहाँ से माल लेके गई थी वो थोड़ा बता? वो जबलपुर की पार्टी गई थी अभी। हाँ, अपने 125 बकरों का लोड। क्या वजन की पट्टी थी भाई साहब? वो 80 किलो की पट्टी थी भाई। 80 किलो की पट्टी। हाँ, आज जो गाड़ी जा रही है वो? आज जो जा रही है वो एक इसमें आधा माल तो भाई छोटी साइज का है, 50 किलो की पट्टी का है। ठीक है, और आधा माल 80 प्लस का है। 80 प्लस का है। हाँ, उसमें आधा माल छोजत है, आधा देसी है, उसके कम रेट का उसने मिक्स किया है। अच्छा, कुर्बानी की सीजन में कितने बकरे चले जाते हैं अपने फार्म से? कुर्बानी के अपने फार्म से तो क्या, अपने हाथ से चले जाते हैं इंशाल्लाह, करीबन करीबन 15 से 20 गाड़ी हर साल अपने हाथ से चली जाती है। अब की बार उम्मीद है कि अब की बार ज्यादा लगेगी गाड़ियां। ओके, आज यहाँ पर जिस फार्म पे हम खड़े हैं यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पे जानवर बहुत बढ़िया है, ये भी सेल के जानवर है। कितने किलो की पट्टी होगी ये? अब ये पट्टी अगर पट्टी का एवरेज पकड़े तो भाई यूं मान के चलो 100 किलो की पट्टी पकड़ के चलो। 100 किलो की पट्टी। एक हाँ, एक बच्चा दिखाइए ना मेरे को एक बार, लंबे लंबे बड़े बकरे लाके दिखाइए भैया। ये भाई ये क्या के हाइट में बच्चे हैं, प्योर सोजत में है ना? प्योर सोजत में हाइट में बच्चे भरे हुए बच्चे हैं। बहुत देख सकते हो। ये क्या वजन में होगा? वजन तो अब ये कमेंट में बताएंगे अपने ऑडियंस। 130 किलो का है। फिर भी कमेंट में एक बार सब अपना अपना राय दें। एवरेज बताओ भाई, एवरेज। हाँ, कमेंट में भी बताए दोस्तों। आपने बहुत लाइक किया इनको, मैंने आगे भी वीडियो दी, आप लोग वहाँ फार्म पे गए, बहुत सारे बकरे भी लिए, बड़े लंबे कान की बकरियाँ चाहिए तो ली। आपको मैंने ईद की कुर्बानी की वीडियो लगाई, क्या रेस्पॉन्स रहा था भाईजान? ईद की कुर्बानियां का भी बहुत बड़ा रेस्पॉन्स, तगड़ा रेस्पॉन्स था। हाँ, तो दोस्तों क्या कि हम लोग जिसको 140 किलो। ओ भाई साहब 140 किलो। ये पार्टियां अभी चल रही है, कांटे पे वेट कर लेना, अगर किसी को लगता है कि हमारे वेट में तो हम कांटे पे वेट करवा देंगे। ये देखो बकरी का नाम भी रखा हुआ है भाई साहब ने, बहुत सही है। तो फाइनली हैवी बकरों का लोट रहेगा? हैवी बकरों का लोट, जैसा लोट कस्टमर की डिमांड के ऊपर लोट हमारे पास अवेलेबल है। 100 बकरों का लोट चाहिए तो? किसी को 100 बकरों का, 10 बकरों का, 20 बकरों का, 50 बकरों का। अभी तो फार्म में अवेलेबल भी है वहाँ? अभी तो 500 बकरे अपने फार्म में अवेलेबल है भाई। ठीक है, और सब ब्रीड है, सबसे ज्यादा अभी अपन सोजत ब्रीड में काम कर रहे हैं, गुलाबी पिंक स्किन में। थोड़ा घूम के दिखा देते ना, वो वाले बकरे भी दिख जाएंगे। इधर आइए ना भाई। 100 में ये इन बकरों में भाई 100 का लोट ही मिलेगा। ठीक है, ये 100 प्लस 100 बकरे, 100 प्लस और 100 का लोट मिलेगा, वेट करवा के जानवर देंगे। ठीक है, और कम होगा तो वो बाहर हाँ, दूसरा डालेंगे ना। हाँ ठीक है, ये देखो जो इंटरेस्टेड है भाई वो ही कॉल करे, क्योंकि अभी कुर्बानी का टाइम चल रहा है, परेशान करने में कुर्बानी का टाइम चल रहा है, तो हमें भी टाइम नहीं है बिल्कुल, क्योंकि खरीदी पे तो है आपको, क्योंकि हम सभी काम संभालने पड़ते हैं। वैसे तो हम 5 बंदे लगे हुए हैं, हम ठीक है पांचों के नंबर डाल रखे हैं। जी जी जी, लेकिन एक नंबर पे अगर फोन नहीं उठेगा तो दूसरे पे कनेक्ट हो जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। ऑटो है सिस्टम सारा, आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करो। ये देखो भाई पट्टी देखो, तुम्हें समझ में आनी चाहिए। हम जो बातें बताते हैं आज तक अपने चैनल का रिकॉर्ड है भाई, हम लोग सच्चाई पे आधारित काम ही सच्चाई पे चलते हैं भाई, क्योंकि आप वो वीडियो देख रहे हो, यहाँ आने के बाद वो नहीं निकलेगा तो हमारे एक कमेंट करोगे आप उतने में हमारा काम लग सकता है, अगर हम गलत रहेंगे तो। सही बात गई बिल्कुल, इसलिए हम सच्चाई पे ही काम करते हैं भाई। कोई पार्टी अगर बाहर से आके लेना चाहती है जानवर तो हमसे संपर्क कर सकता है। ताजू सरिया गोट फार्म पर्सनल में संपर्क कर लेना, व्हाट्सएप पे कॉल कर लेना भाई, अगर फोन नहीं उठाते तो ये दोबारा फोन कर देंगे, क्योंकि अभी जब हम आ रहे थे तो एटलीस्ट 60 से 70 कॉल आ गई है, 30 मिनट भी पूरे नहीं हुए। अजमेर से भाई 100 किलोमीटर है अपना फार्म आपको, और भीलवाड़ा से 30 किलोमीटर है, चित्तौड़गढ़ सुना होगा, चित्तौड़गढ़ से 70 किलोमीटर है। तो ये बकरे जो 100 प्लस के है ना सारे? ये सारे 100 प्लस के, वेट
करके देंगे भाई, वेट करके देंगे। हाँ। दोस्तों इनको कॉल करो, आप लोग लेके जा चुके हो माल और ट्रस्टेड बंदे हैं हम, जब जहाँ ट्रस्ट होता है वहीं काम करते हैं, आपको खुद को पता है। मेरे जो व्यूवर्स हैं आपको फेसबुक इंस्टाग्राम हर जगह यूट्यूब पे सारी जगह ये वीडियो मिल जाएगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ताजुसरिया गोट फार्म, भाई को सब जानते हैं, भाई नाम बताइए एक बार। आरिफ खान नाम है मेरा। आरिफ भाई, आरिफ भाई को सब जानते हैं, तो आरिफ भाई को कॉल करें, इनका इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पे आप जाके देखेंगे। तो अभी कितने फॉलोअर हो गए सर? भाई अभी 77-78 हज़ार हो गए, 80 हज़ार होने वाले, 80 हज़ार वहाँ पे जाके 1 लाख करवाइए इनके पूरे, और वो तो हो ही जाएंगे मेरे हिसाब से 10 दिन में हो जाएंगे, ज्यादा। अभी सीरीज कुर्बानी का चल रहा है, ऐसा कुछ भी तो हाँ, इसकी अपडेट आपको वहाँ पे मिल जाएगी ना? जी भाई बिल्कुल, वो लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा या फिर स्क्रीन पे दे दूंगा, आप उस पर जाके क्लिक कर लीजिए जो भाई अभी तक नहीं जुड़ा है। ठीक है भाई, अरे भाई और कुछ कहना चाहेंगे? बस और तो क्या, कि हम बाकी बातें फार्म पे बैठ के करेंगे भाई। ओके भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू।